एवरीवन नमस्ते, मैं हूँ मोनल और आप देख रहे हो मेरा चैनल रेडिएंट अफेयर, जहाँ हम बात करते हैं छोटी छोटी खुशियों की। आज का वीडियो होने वाला है दिवाली स्पेशल। दिवाली पे हमारे घर में बहुत सारे गेस्ट आते हैं और उन लोगों के लिए क्या बनाना क्या नहीं बनाना, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। दिवाली पर कुछ गेस्ट तो ऐसे होते हैं जिसका आना जाना तो लगा ही रहता है, तो उस समय के लिए कुछ स्नैक्स आप जो है ना वो रेडी करके रख सकते हो, वही मैं आज आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो सबसे पहला जो मैं रेडी कर रही हूँ वो है चॉकलेट मिल्क। अगर आपके घर में बच्चे आ रहे हो तो उनको ये बहुत पसंद आएगा, तो उसे बना के मैं फ्रिज में रख दूंगी। घर में हमेशा अगर हम आलू उबाल के रखें तो वो बहुत सारी चीज़ों में काम में आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्वीट पोटैटो उबाल के रखे थे, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही यमी से कटलेट। बहुत आसान है बनाना, बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। आप इसे चाहो तो शैलो फ्राई भी कर सकते हो, डीप फ्राई भी कर सकते हो, या फिर एयर फ्रायर में भी बना सकते हो। आप इसमें अपने मनपसंद मसाले डाल सकते हो। मैं डाल रही हूँ बेसिक मसाला, लेकिन याद रखिए आप इसमें अमचूर पाउडर भी डालना और ब्रेड क्रम्स भी। ये इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसकी अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। आप बहुत सारे कटलेट्स बना के रेफ्रिजरेट भी कर सकते हो, और जब भी कोई गेस्ट आए तो उसे गर्मा गर्म फ्राई करके भी दे सकते हो। नेक्स्ट आइटम जो मैंने सोचा है वो हम सबका फेवरेट है, समोसा। लेकिन आज मैं ट्विस्ट दे रही हूँ, मैं बना रही हूँ समोसा पैटिस। आप इसे करी पफ भी कह सकते हो। बहुत यमी लगता है और बहुत टेस्टी भी लगता है और जल्दी भी बन जाता है। बस इसके लिए आपको उबले हुए आलू रेडी रखना है फ्रिज में, तो वही मैं यहाँ पर आज बना रही हूँ। मैंने पैटिस बनाने के लिए मार्केट से शीट जो रेडीमेड मिलती है वो लेकर आ गई थी, और बस उसमें आपको फिल करना होता है और बॉक्स के ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है वो उसे आपको फॉलो करना होता है। और अच्छा टेस्ट देने के लिए मैंने इसमें चीज़ भी डाला है। नेक्स्ट रेसिपी बहुत क्विक है और बच्चों की तो बहुत फेवरेट होती है, और हम बड़ों की भी। तो मैं बना रही हूँ छोटे छोटे मिनी साइज ब्रेड पिज़्ज़ा। बहुत ही अच्छे लगते हैं। आपको बस ब्रेड लेना है, उसके ऊपर बटर लगाना है, थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस, उसके ऊपर आप कैप्सिकम, अपनी मनचाही टॉपिंग्स जो आपको पसंद है वो उसके ऊपर लगा सकते हो, और बस चीज़ डाल दो और उसको ओवन में डाल दो। बन गए आपके छोटे छोटे चीज़ बाइट्स। जब तक हमारे मिनी पिज़्ज़ास रेडी हो रहे हैं तब तक हमारा ये पैटिस भी रेडी हो गया। इसे मैं छोटे छोटे पीसेस में लंबे लंबे इसमें काट लूँगी, ताकि सब लोग इसे एक एक हाथ में पकड़ के आराम से इसका मज़ा ले सके। अब आती है एक और डिश की बारी जो कि बहुत अच्छी लगती है, और ये होने वाला है पास्ता। पास्ता हम सबको बहुत पसंद है, लेकिन आज मैं बनाऊँगी बहुत ही क्विक वाला पास्ता। बहुत जल्दी बन जाता है ये। Thank you.
एक बार आपका पास्ता रेडी हो जाए उसके बाद आप उसमें बेल पेपर्स डाल सकते हैं, कैप्सिकम डाल सकते हैं, ऑनियन डाल सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी हो वैसे उसे आप सर्व कर सकते हो। यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ एक बढ़िया सा दही का घोल, और वो होने वाला है छोटे छोटे हमारे उड़द की दाल के दही भल्ले कह लो आप, उसके छोटे छोटे मैं बॉल्स रेडी करने वाली हूँ और उसे हम सर्व करेंगे। पास्ता को आप माइक्रोवेव बॉल में अच्छे से सर्व करने के बाद उसके ऊपर ग्रेटेड चीज़ डाल के आप उसे माइक्रोवेव कर सकते हो। जब भी आपको गर्मा गर्म उसे सर्व करना है अपने गेस्ट को तो आप इस तरीके से रेडी करके फ्रिज में रख सकते हो, और जब आपको सर्व करना हो तब आप उसे गर्म करके सर्व कर दीजिए। अब हमारे सारे जो आइटम्स हैं वो रेडी हो चुके हैं, अब बारी आती है हमारी सर्विंग की। चलिए इसे बहुत अच्छे तरीके से सर्व करेंगे ताकि हमारे गेस्ट को इसे बहुत पसंद आए। तो आप भी कुछ इसमें से आइडियाज़ ले सकते हो। अगर आपको इसमें से कोई भी आइडिया अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक हार्ट ज़रूर दे दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे देखकर। और आप कमेंट भी कर देना आपको सबसे अच्छा क्या लगा। मैंने आज के वीडियो में जो कुछ भी आपके साथ शेयर किया है आप इसकी क्वांटिटी अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सिर्फ एक सैम्पल बताने के लिए कि आप इस तरीके से अपने गेस्ट के लिए कुछ सर्व कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, ये बस एक आइडिया के लिए था। आप अपने गेस्ट के अकॉर्डिंग इसका जो साइज़ है वो डबल कर सकते हो, और बस इस तरीके से आप अपने गेस्ट को इम्प्रेस भी कर सकते हो। ये जो स्वीट पोटैटो के कटलेट्स हैं इसके ऊपर आप दही का जो घोल हमने बनाया था वो उसके ऊपर डाल सकते हो, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और इसके ऊपर आप इमली की चटनी और हरी चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। बस एक एक पीस आपको प्लेट में ले लेना है और बस उसे एंजॉय करना है। दिवाली का प्लेटर अधूरा है अगर उसमें हम शक्कर प्यारे, चूड़ा, लड्डू, चकली ये सब ना रखें। ये तो हमारा ट्रेडिशनल खाना है, इसे हम रखते ही रखते हैं, तो ये भी मैं अपने प्लेटर में रखूँगी। ये होममेड नहीं है, ये मैंने रेडीमेड लिया है, लेकिन अगर आप घर पे बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो इसे भी आप अपने प्लेटर में ज़रूर रखिएगा। तो हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा भी रेडी है, उसे भी आप इस तरीके से एक बॉल में रख सकते हो और सर्व कर सकते हो, और इसी बॉल को आप माइक्रो ओवन में भी गर्म करके इसे डायरेक्टली सर्व कर सकते हो। और हमारा चॉकलेट मिल्क जो है वो भी रेडी है, जो कि स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आएगा, बच्चों को क्या बड़ों को भी काफ़ी पसंद आएगा। इसे ठंडा ठंडा सर्व करिए, फ्रिज में लगा दीजिए और उसके बाद सर्व कीजिए। Thank you.
तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इसमें से अगर आपको कोई भी आइडिया अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक दे देना और कमेंट भी करना, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देना इस चैनल को। आप मुझे इंस्टा पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, आपकी दिवाली बहुत अच्छी रहे यही मैं कहूँगी, और मैं आपको मिलूँगी बहुत जल्द एक नए वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय, हैप्पी दिवाली।